दोस्तों इंडिया एक सिविलाइज्ड कंट्री है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में हमारे बहुत सारे अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसी रहते हैं। इस बात को यहीं रोक के मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारत के हर राज्य में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वहाँ पर जो गालियाँ हैं, जो एब्यूजिंग है, वो प्रसाद की तरह बढ़ती है। गालियाँ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में या और किसी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग हर स्टेट में गालियां जो हैं वो ऐसे जैसे मंदिर में भंडारा लगता है वैसे प्रसाद के रूप में बढ़ती हैं। खासकर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ऐसी गालियां देता है, तो अगर आपका भी कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपको गालियां देता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है, जो आपको धमकी देता है किसी प्रकार की, तो आप उससे कैसे डील करेंगे? ठीक है, इनके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कुछ साइलेंट किलर पड़ोसी हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, मिलता है जुलता है, आपको चाय पे बुलाता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, गाड़ी आपके गेट के सामने खड़ा करता है। ठीक है, जानबूझ के कोई उसने पशु पाल रखा है, जैसे कोई भैंस है, गाय है, या किसी प्रकार से उसके पास कोई कुत्ता है, कुछ भी है, उसका जो वेस्ट है वो आपके घर के आगे डाल देता है। आपके घर के सामने से कोई नाली है उसको वो साफ करता है, अगर तो जो भी गंध होता है वो आपके गेट के सामने डाल देता है। जानबूझ के कोई ऐसा उसने पेड़ लगाया है आपकी दीवार की जड़ में, जिसको पानी देने से आपकी दीवार की नींव में पानी जाता है, आपके घर में सीलन आती है। जानबूझ के किसी ऐसे सर्किट को बिगाड़ देता है जिससे आपके घर की लाइट रोज़ की रोज़ खराब हो जाती है। मोटिव सिर्फ आपको परेशान करना था। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ से घर की तरफ वापस आते हैं तो रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ खड़ा कर देता है कि आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर रात को लेट नाइट म्यूज़िक बहुत तेज़ तेज़ बजाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपके घर वालों को बहुत दिक्कत होती है, आपके माता पिता, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे पड़ोसियों से, ऐसे साइलेंट किलरों से, या फिर मिट्टी छुरियों से, हरियाणा में एक वर्ड है मिट्टी छुरी, छुरा होता है ना वो चाकू, ठीक है, मीठा छुरा, मतलब जो ऊपर ऊपर से बहुत मीठा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या की भावना रखता है, बहुत आपसे दुश्मनी करता है, आपको अपना दुश्मन समझता है। तो अगर ऐसा है तो आप उससे कैसे डील करेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा डिटेल में। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करें अपने वीडियो को, ठीक है। लास्ट में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पड़ोसियाँ गाली देते हैं, गाली का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, ठीक है, अपने माता पिता पर, फैमिली पर, एक जो सभ्य सोसाइटी है उसके अंदर अगर ऐसे पड़ोसी आ जाएं तो कितनी ज़्यादा दिक्कत की बात है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो मैं आपको लीगल रास्ते बता रहा हूँ ये थोड़े कोर्ट केस के हैं, कंप्लेंट करने के हैं, लेकिन अगर वो प्यार से मान जाए, अगर उससे कोई आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का रास्ता निकल जाए, बातचीत करके सुलझ जाए, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में दुश्मनी की भावना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी का कोई एक दिन का काम है, पड़ोसी का सारी ज़िंदगी का काम है। कई बार तो ये कहा जाता है कि जो सगे संबंधी है वो साथ छोड़ देते हैं लेकिन पड़ोसी साथ नहीं छोड़ता, अगर एक अच्छा सभ्य पड़ोसी हो तो। देखिए, बात करते हैं कि अगर कोई साइलेंट किलर आपको ऐसे परेशान कर रहा है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है। सबसे पहली बात तो आपको एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। अब एविडेंस आप कैसे कलेक्ट करेंगे? आपको पता है कि वो जानबूझ के उस पेड़ को इसलिए पानी देता है, कुछ ज़्यादा ही एक्सेस अमाउंट में पानी देता है कि आपकी दीवार में सीलन आए, तो आप उस पॉइंट पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, ठीक है, जिससे कि उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। अगर आप उसे प्यार से बात करने के लिए जाते हैं तो आप कोई ऐसा डिवाइस लेके जाएं, कोई रिकॉर्डिंग लेके जाएं मोबाइल में, या फिर किसी प्रकार से कोई दुनिया भर के आजकल स्टिंग ऑपरेशन के लिए स्पाई कैमराज आते हैं, आप वो ले सकते हैं जो लीगल हो, लेकिन वही, ठीक है। और किसी प्रकार से अगर वो आपको परेशान करने के लिए आपके घर के सामने कोई कूड़ा डालता है, आप उसको प्यार से समझाइए, अगर नहीं समझ रहा है तो आप गेट पे सीसीटीवी लगवा दीजिए, उसको ना पता हो कि ये काम उसने किया है। अगर वो सीसीटीवी लगाने के बाद खुद ही हट जाता है तो बहुत वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं मान रहा है तो आप उसको इस वीडियो को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो को कोर्ट में लेके जाएंगे या फिर किसी भी अधिकारी के पास लेके जाएंगे तो उससे पहले आप उस वीडियो को टाइप कर लेंगे। आप किसी कैफ़े के थ्रू जाके उसको टाइप करवा सकते हैं या फिर हैंड रिटन भी लेके जा सकते हैं। उसमें जो वीडियो के सेकंड्स होंगे, मिनट्स होंगे, जहां पर वो ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है या फिर आप कुछ गलत काम करता दिखाई दे रहा है, जिस न्यूसेंस क्रिएट करता दिख रहा है, तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर के साथ, जिससे कि जब किसी अधिकारी के पास या कोर्ट में आप उसको लेके जाएंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी और आपकी एप्लीकेशन का एक दम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अधिकारी के पास जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अकेले ना जाएं, आपके साथ तीन या चार जने हों, तीन या चार लोग हों। अगर तीन चार लोग नहीं भी हैं तो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका मोबाइल नंबर और उनका समर्थन आपके पास हो। अगर समर्थन भी नहीं है तो फिर अकेला ही
फतेह ही कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला व्यक्ति भी जा सकता है, आप अकेले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इलाके के SDM या DM के पास जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 133 CRPC बताता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसके अंदर कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो SDM या फिर DM जो है वो 15 दिन का नोटिस देते हैं उस व्यक्ति को जिसने न्यूसेंस क्रिएट की है। लेकिन अगर SDM या DM को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अर्जेंसी है, कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है इसकी न्यूसेंस के कारण, तो वो वहाँ पर 15 दिन का पीरियड घटा के 7 दिन का अर्जेंसी पीरियड भी लागू कर सकते हैं। अगर 15 दिन का नोटिस एक्सपायर हो जाता है और फिर भी आपका पड़ोसी न्यूसेंस क्रिएट करने से नहीं हटता, आपको परेशान करने से नहीं हटता, तो अब फिर आप DM के पास या SDM के पास फिर से सेम प्रोसीजर आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा काम है और ये नहीं मान रहे हैं। तो फिर उनको क्या करना होगा, SDM और DM फिर से उस ऑर्डर को रिवाइज करेंगे और अब की बार उस पड़ोसी के खिलाफ IPC 188 के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है, FIR रजिस्टर की जा सकती है, जिसमें कि 1 महीने की सज़ा और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ दम था या फिर आपका कोई जो सॉल्यूशन आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आप सिविल सूट के लिए जा सकते हैं। ऑल्दो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है सिविल सूट में, लेकिन रिजल्ट जो है वो बेनिफिशियरी रहते हैं। अगर आप सिविल सूट के लिए जाते हैं कि आप मेंटली टॉर्चर हैं उसके लिए डैमेजेस क्लेम करते हैं, फिजिकल टॉर्चर है उसके लिए आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, या फिर किसी और प्रकार का आपको टॉर्चर है तो आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है। अब कोई पड़ोसी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप पुलिस को बुला लेते हैं, 107 एंड 150 CRPC के तहत पुलिस आ भी जाती है, उसको समझा भी देती है, वहाँ पर डरा धमका भी देती है, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी रजिस्टर कर लेती है। लेकिन उनको अगर पुलिस को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा है और उसको अरेस्ट करके ही लेके जाना पड़ेगा, तो 151 के तहत उसको अरेस्ट भी करके लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस पड़ोसी की वजह से आपको कोई प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आप मिसचीफ का केस भी कर सकते हैं 426-427 IPC के तहत। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें पुलिस डायरेक्ट FIR तो लॉन्च करेगी नहीं, आपको पहले इसमें आपको कोर्ट के थ्रू ही FIR लॉन्च करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में आप ना पड़ें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप वो पड़ोसी का मामला है, पड़ोसी को सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, उनके बच्चों को आपके बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी रहना है, प्रोबेबिलिटी ये होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे केसेस के कारण अपना घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होते हैं। और क्यों हम होएं, क्यों हमारी क्या गलती है, परेशान वो कर रहा है वो होगा, अगर उसको दिक्कत होगी तो कीजिए उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए कि भाई ऐसा मत कर, ठीक है, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए किसी को। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो आप लीगल रास्ते अपना सकते हैं। थैंक यू।